के सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। देश भर में आज कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के वीर जवानों के बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्य आयोजन भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पर किया जा रहा। शौर्य स्मारक पर रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रदेश के इस मुख्य आयोजन में सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। सीएम ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया, साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हर भारतीय के लिए गौरवशाली दिन है। आज के दिन ही हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विजय पाई थी। दुर्गम पहाड़ियों पर जिन पर दुश्मनों का कब्जा हो रहा था, उन्हें भी वापस भारत की सेना ने लिया था। जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का काम देश की सेना करती है। आपको बता दें कि आज 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। देशवासी कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए देश के जवानों को नमन कर रहे हैं। जगह जगह देश के वीर शहीद जवानों की गाथाएं सुनाई जा रही हैं और उनके बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में भोपाल के शौर्य स्मारक पर कारगिल के शहीद जवानों की याद एक टैंक भी स्थापित किया गया है। साल पहले का आज का वो दिन कारगिल दिवस, जब हमारी देश की सीमाओं के अंदर बगल का देश पाकिस्तान अपने सैनिकों को घुसाता है और पूरा देश एक तरह से आश्चर्य में जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेना को निर्देश दिया और हमारी सेना पे हमको गर्व है, जिनने इतने दुर्गम चढ़ाई के बीच भी अपनी जीवटता के साथ न केवल देश की सीमा की रक्षा की बल्कि ये युद्ध का सबसे बड़ा इतिहास बना है। इतनी हाइट पे दुश्मन हो और दुश्मन के तमाम चुनौतियों के बीच न केवल हम अपनी वापस टाइगर हिल्स पर झंडा फहराते हैं बल्कि विजय की गाथा लिखते हैं। ऐसे अप्रतिम बलिदान के, योगदान के, सेना के साहस के एक अद्वितीय युद्ध में जीत का भारत का नया इतिहास बना है। मैं 25 साल हो गए, ये बहुत कठिन युद्ध था, इसमें से कई हमारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। कई लोगों के जीवन में ये बहुत कष्टकारी, जिनके परिवार से कोई गया उनकी आत्मा जानती है, लेकिन भारत के इतिहास के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला भारतीय सेना के साथ हम सब के लिए गर्व का क्षण है, जब हम न केवल भारत दुनिया के सामने अपनी सीमाओं को पुनर्स्थापित करने के लिए, जीत का डंका बजाने के लिए और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ा था। मैं ऐसे सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ और सेना को बधाई देता हूँ। देश उनके साथ खड़ा है, जब भी चुनौती आएगी सेना हमारी सब तरह से समर्थशाली है, वो हर कठिन परिस्थिति में विजय का डंका बजाती है। बहुत बहुत बधाई। अपनी ओर से कारगिल दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई और केवल बधाई नहीं, आज तो और आनंद का दिन। क्या जोरदार गाना गाया, इनके लिए भी ताली बजाओ। हमारे सैनिक के जवानों ने अपनी भावनाओं को शब्दों से प्रयोग करके एहसास कराया है और उससे बढ़िया बात जो मैंने उल्लेख किया है, 71 के युद्ध में जिस टैंक से हमने विजय हासिल की और वो पेटेंट टैंक जिसके कारण से अमेरिका दुनिया भर में दम भरता था, इस टैंक से दुनिया में कोई सेना हार नहीं सकती, वो भी इतिहास है। तो उस युद्ध के बाद अमेरिका ने उस कंपनी को ही बंद कर दिया, वो टैंक सब खत्म कर दिए, इस टैंक में कोई दम नहीं। ये हमारे सैनिकों ने अपने शौर्य पराक्रम से सिद्ध हुआ है। हथियार में दम नहीं होता है, हथियार तो हथियार की जगह रहेगा लेकिन हथियार के आगे हौसला होता है और हौसला जीत की तरफ ले जाता है और जीत पुरुषार्थ पराक्रम से पराकाष्ठा करके अद्वितीय इतिहास लिखता है। मेरी अपनी ओर से आप सबको पुनः कारगिल दिवस के अवसर पर जिन्होंने उनके स्मरण परमात्मा ने विश्व रूप से उनको अपने स्थान दिया होगा, लेकिन देश कभी नहीं भूलेगा और वो देश जो अपने शहादत को भूले वो देश लंबी उम्र नहीं रख सकता है। देश चलते इसी से है, वो ऐसी घटनाओं से सबक लेकर के और भविष्य में चौकस चौकन्ने होते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बधाई।